एक कैपिलरी में लगा दिया है जो लीकेज था, लीकेज बंद कर दिया है। थोड़ा लीक हम टेस्ट कर लेते हैं। लीक टेस्ट देखिए इस तरह से होता है। इसमें प्रेशर मैंने डाल दिया है, थोड़ा होल्ड कर दिया है। अब यहाँ से हम लीकेज चेक कर लेते हैं जो लीकेज हमने बंद किया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई लीकेज नहीं है। ये देखिए कोई लीकेज नहीं है, वहाँ पे तो लीक बंद हो चुका है। और यहाँ पे जो कैपिलरी हमने जॉइंट किया है, इस तरह से साबुन के झाग से लीक चेक करते हैं। देखिए कोई भी लीकेज नहीं है। ब्रेजिंग जब अच्छे से की जाएगी तो लीकेज होने का कोई चांस नहीं होगा।